एट सम सी काफी सिंपल सम है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना है, सारे सम सिंपल ही अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचोगे तो ओके. सी एट सम में अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर्स बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. गाइस ये जो रस्सी आपको दिख रही है ये हॉर्स है, ये इस रस्सी से बंधा हुआ है ठीक है. पैग मतलब ये जो एक खिल्ला होता है, नेल होता है ठीक है. ये रस्सी का जो लेंथ है वो 5 मीटर है और स्क्वायर का जो लेंथ है चारों साइड सेम होती है वो 15 मीटर है. उसका कोई मतलब ही नहीं है इस समय, आप देखोगे वो यूज ही नहीं होगा ठीक है. तो आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं सपोज कर लो उस नेल से बंधा हुआ हूं मैं ठीक है, तो मैं कितनी एरिया में घास खा सकूंगा, मैं कहां तक जा सकूंगा, ऐसे ऐसे मैं पीछे तो नहीं जा सकूंगा ना, मैं आगे आ सकता हूं. मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूं, मैं 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ हूं और यहां तक आ रही है वो रस्सी 5 मीटर की, इसके पीछे तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं इतना एरिया ऐसे कवर सकता हूं है ना, आगे जा सकता हूं लेकिन पीछे नहीं जा सकता हूं. तो जो एरिया मैं कवर कर रहा हूं ना गाइस, वो एरिया आप देखोगे ना ये एरिया है ठीक है. मैक्सिमम मैं यहां तक पीछे जा सकता हूं, तो ये ऐसे इतना एरिया कवर हो रहा है और ये क्या हुआ गाइस, ये आप देखोगे तो ये हो गया माइनर सेक्टर, क्योंकि स्क्वायर में यहां पे एंगल 90 का बनेगा, स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं, 180 से कम है ओके. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इन्होंने पूछा है फाइंड करने को. सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस. हॉर्स जो है कितनी एरिया में घास खा सकता है, वो एरिया जो है वो माइनर सेक्टर की बन रही है ठीक है. सो गाइस यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा जो है वो 90 का है, रेडियस 5 मीटर है ठीक है. सिंपल सा पूछा है गाइस, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360. सो पाई की वैल्यू है यहां पे भी 3.14, रेडियस दैट इज 5, इसका रेडियस का ओके. थीटा इज 90, 94 जा ओके. सो 51 जा 520 जा 22 जा 2157 जा 51 जा 54 जा. सो 157 डिवाइड बाय 8. सो गाइस 81 जा 8 77, 89 जा 72, 86 जा 48, 25. सो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके. ये आ गया. इसके बाद गाइस पूछा गया है हमें, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब पहले रस्सी कितनी लंबी थी गाइस, 5 मीटर. अब रस्सी 10 मीटर अगर लंबी कर दी गई तो जो हॉर्स है वो कितनी एरिया में घास खा सकेगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर पहले 5 मीटर की रस्सी थी अब 10 मीटर की हो गई तो एरिया भी डबल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है ठीक है. यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हमको अब रस्सी लंबी हो गई तो यहां तक जाएगा है ना, तो फिर से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है गाइस. लेकिन यहां सेकेंड कंडीशन में अगेन थीटा तो वही है, थीटा 90 का ही रहेगा ठीक है, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा गाइस, 10 मीटर्स. सो अगेन पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360. पाई की वैल्यू दी गई है, रेडियस 10 हो गया इंटू 90 बाय 360. 94 जा 00 कैंसिल, 22 जा 2157 जा 157 डिवाइड बाय 2 गाइस, 27 जा 28 जा 78.5 मीटर स्क्वायर ओके. मीटर है, मीटर स्क्वायर है. अब गाइस इन्होंने सेकेंड सम में ये नहीं पूछा है कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी करोगे तो वो हॉर्स जो है कितनी एरिया में ग्रेस कर सकता है. सेकेंड में ये पूछा है फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. पहले 5 मीटर की लंबी रस्सी थी तो वो कितनी एरिया में ग्रेस कर सक रहा था, घास खा सक रहा था, 19.62 में ठीक है. अब 5 मीटर और लंबी कर दी, क्योंकि
पांच मीटर तो थी ना, दस मीटर की कर दी, दस मीटर लंबी नहीं की, टोटल दस मीटर की है, जिसमें से पांच मीटर पहले तो थी। तो जब पांच मीटर लंबी रस्सी थी तो हॉर्स जो है वो कितनी एरिया में ग्रेस कर रहा था, 19.625। ठीक है, अब पांच मीटर और लंबी कर दी, टोटल दस मीटर लंबी रस्सी हो गई। तो यहां पे पूछा है फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। सो गाइस देयरफॉर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया हम कैसे निकालेंगे गाइस? ये टोटल एरिया है, ठीक है, ये जब 10 मीटर लंबी रस्सी थी तो एरिया कितना आया 78.5, और जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी, इसमें से 5 मीटर लंबी रस्सी थी, तब एरिया कितना आया 19.625। और ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, तो गाइस 5 मीटर का ये आंसर आया था और 10 मीटर का टोटल ये आंसर आया है, तो टोटल में से, क्योंकि जब आप 10 मीटर लंबी रस्सी यूज कर रहे हो तो एरिया इतनी है, और ऑलरेडी जब 5 मीटर आप लंबी रस्सी यूज कर रहे थे तो 19.625 आया। तो भाई अब इंक्रीज कितनी, आपने रस्सी को कितना और इंक्रीज किया 5 मीटर। ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं कि फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ऑलरेडी गाइस 5 मीटर की जब लंबी रस्सी आप यूज कर रहे थे ना, तब 19.625 एरिया तो आ चुका था ना, बराबर। अब आपने 5 मीटर और लंबा किया तो टोटल 10 मीटर जब आपने, देखो ये जो आंसर आया ना एक्चुअली वो इंक्रीजिंग एरिया नहीं, वो टोटल एरिया है 10 मीटर का, बराबर। जब आप 10 मीटर लंबी रस्सी यूज कर रहे हो तो उसका टोटल एरिया है, लेकिन अभी ये क्या पूछ रहे हैं फाइंड करने को कि जब आपने और 5 मीटर ऐड किया, देखो यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, इसका एरिया ये रहा और ये 10 मीटर का है, 78.5 जो है वो 10 मीटर लंबी रस्सी का है। ठीक है, हमको इंक्रीजिंग एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने जब आप 10 में से जब आप 5 मीटर लंबी रस्सी यूज कर रहे थे तब आंसर क्या आया था 19.625, और 10 मीटर लंबी रस्सी जब यूज कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आया 78.5, ये पूरा 10 मीटर का है। तो गाइस यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप टोटल एरिया में से जो आपका आया 78.5 मीटर स्क्वायर, वो 10 मीटर लंबी रस्सी जब आप यूज कर रहे हो तो उसका आंसर है। ठीक है, उसमें से आपने जब 5 मीटर लंबी रस्सी यूज की थी उसका एरिया क्या आया था 19.625। ठीक है, सो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये हुआ इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। ओके, क्लियर है ये? नाउ गाइस 9-7, सी अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm मिलीमीटर। सो गाइस एक ब्रूच बनाया है, ठीक है, जो बैच होता है वो किससे बनाया है, वायर से, और इस वायर को, ये वायर जो यूज हुआ है इस ब्रूच को बनाने में, उसमें कितना वायर यूज हुआ है 35 mm गाइस, ठीक है, मिलीमीटर। And the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. एक तो guys, ये जो ब्रूच बनाया है, ये जो बैच बनाया है, ये हमने वायर से बनाया है, सिल्वर वायर से, कोई भी वायर हो चलो, यहां पे सिल्वर वायर लिखा हुआ है। वायर यूज कितना हुआ गाइस, टोटल 35 mm। उसके बाद क्या है, यहां पे वायर से इन्होंने 5 डायामीटर भी बनाया है। ठीक है, तो गाइस दिस इज 1, ये सेंटर है, then guys 2, then 3, then guys 4, and this is 5।
टोटल इन्होंने 5 डायामीटर बनाए हैं। डायामीटर में भी इन्होंने क्या यूज किया है, वायर यूज किए, और एक डायामीटर द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहां पे भी इन्होंने वायर यूज किए गाइस। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड सिंपल है सम गाइस, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब आप ये सोचो कि आपने वायर कहां कहां यूज किया है, एक तो आपने ब्रूच बनाया और आपने 5 डायामीटर बनाया, बराबर उतना लेंथ यूज हुआ है वायर का। सो गाइस सबसे पहले यहां पे देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 mm। तो डायामीटर दिया हुआ है गाइस 35 mm। ठीक है, हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड या यूज्ड, टोटल वायर कितनी चाहिए गाइस। एक तो आपने ये ब्रूच बनाया मतलब सर्कमफ्रेंस, अब देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr तो आपको पता ही है, लेकिन पाई इंटू डी यूज करें तो इजी रहेगा क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो गाइस एक तो आपने वायर यहां यूज की सर्कमफ्रेंस में, प्लस आपने 5 डायमीटर में वायर यूज की है, तो प्लस 5d। काफी बार फॉर्मूला फिगर को देखते बनाना पड़ता है, रटे रटाए फॉर्मूला नहीं होते। ओके, सो गाइस पाई की वैल्यू यहां पे नहीं दी गई है, सो एक काम करते हैं हम डी कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो क्या बचा पाई प्लस 5, डी कितना है 35, पाई कितना है 22/7। अच्छा डी रहने दो, इजी रहेगा कैलकुलेशन में, इजी रहेगा नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 22/7 डी कॉमन नहीं निकालते, डी 35 है एंड 5 × 35, तो ये क्या, ये कैंसिल हो सकता है, 7 5 जा, सो 22 5 जा 110, 35 5 जा 175, सो गाइस 285 मिलीमीटर, ये एरिया नहीं है गाइस। ठीक है, देन गाइस सेकेंड चीज पूछिए द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। गाइस हम पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकाल रहे, कितने सेक्टर बन रहे हैं यहां पे, 10। देखो एक यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, और हमको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, हर सेक्टर एक जितना ही होगा, लेकिन गाइस हम सर्कल का एरिया नहीं निकाल रहे। सर्कल का एरिया निकालते तो टोटल थीटा कितने का बनता, 360 का। एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, ठीक है, तो यहां पे सेकेंड कंडीशन में एक तो रेडियस निकालते हैं पहले, d/2 35/2 mm, और थीटा आएगा गाइस 360 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं पार्ट्स, 10, तो एक सेक्टर पता चल जाएगा हमें उसमें एंगल क्या बनेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री। अब गाइस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले हम लोग यहां पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, 36/360। ओके, सो 7 5 जा 36 10 जा 5 2 जा 2 11 जा 35 × 11 385 डिवाइड बाय 4, 4 9 36 25 4 6 25, ये एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, सो 96.25 mm². ओके, समझ में आया गाइस, ये हो गया हमारा 9th sum। अब गाइस 10th sum भी सिंपल ही है, वो आपको खुद करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक्चुअली क्या है। सी एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो लाइनिंग्स होती है अम्ब्रेला में, जैसे यहां पे मैं आपको बता दूं, ये हैंडल हो गया अम्ब्रेला का, ठीक है,
ओके अब गाइस, लेकिन अम्ब्रेला जब आप ऐसे देख रहे हो तो आपको वन साइडेड दिख रही है। आप एक काम करना, प्रैक्टिकली काफी बार देखो, जैसे हम लोग काफी बार सपोज कर लो कहीं पे ऊपर खड़े हैं, छत पे खड़े हैं और नीचे कोई अम्ब्रेला लेके खड़ा है, तो आपको ऊपर से व्यू कैसा दिखेगा पता है? आपको ऊपर से व्यू जो दिखेगा वो इस तरह दिखेगा। आपको ऊपर से सर्कुलर व्यू दिखेगा गाइस, ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको ऐसे सर्कुलर व्यू दिखेगा। और यहां पे इन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, देखो, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये सारे इक्वल रिब्स ही है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया कितना है, मतलब अगेन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से एक पीस अलग करोगे तो वो पीस आपको माइनर सेक्टर दिखेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा डिवाइड बाय 360, राइट। अब पाई की वैल्यू यहां पे नहीं दी गई है तो आपको 22/7 लेना है, रेडियस दिया हुआ है 45, थीटा क्या होगा गाइस, ये आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 इसके पीछे भी 4 होंगे, तो 4 4 8, तो थीटा आपका निकलेगा 360 डिवाइड बाय 8, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, फिर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। ओके क्लियर, तो गाइस ये आपको टोटल 5 सम्स आज करने हैं।